सो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कंडीशनल इन पाइथन, और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशन इन पाइथन में टेस्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, और हमें देखना है कि दोनों वेरिएबल क्या दो से बड़े हैं या नहीं। सो हम यहाँ पे देखेंगे यूज़ ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स लाइक एंड और लाइक दिस। सो इफ ए इज़ ग्रेटर देन टू एंड बी इज़ ग्रेटर देन टू, सो एंड का मतलब होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तब एज ए होल ये ट्रू होगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हम देख सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन टू, ए इज़ वन, सो इट इज़न्ट ग्रेटर देन टू, बट बी इज़ ग्रेटर देन टू। सो ओवरऑल वन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो एंड विल रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो आई मेक अ कमेंट हियर। बोथ कंडीशंस आर ट्रू, सो इन दिस केस वी गेट नो बिकॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो लेट्स से वी चेंज दिस टू 10 एंड देन व्हाट हैपेंस, यस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल कंडीशंस इन साइड पाइथन। नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द डबल इक्वल टू। सो इन पाइथन फॉर कंपेरिजन वी यूज डबल इक्वल टू साइन। सो सिंगल इक्वल टू इज फॉर असाइनमेंट, इट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ए इक्वल टू टू मीन्स वी आर असाइनिंग टू टू वेरिएबल नेम्ड ए, बट द डबल इक्वल टू इज नोन टू हैव कंपेरिजन ऑपरेटर, सो इट मेक्स एन कंपेरिजन। सो अब हम देखें कैसे हम तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तीन कंडीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक ए डबल इक्वल टू टू, ए डबल इक्वल टू सिक्स और ए ग्रेटर देन 10। सो वी आर एग्जीक्यूटिंग थ्री कंडीशन एट वंस। सो और होता है, ये ट्रू रिटर्न करता है जब कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो, या फिर दोनों ट्रू हो, या फिर तीनों ट्रू हो, मतलब एटलीस्ट सिंगल स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पे ए इक्वल टू टू दिए हैं, सो दिस असाइनमेंट ऑपरेटर विल चेक इफ ए इज इक्वल टू टू और नॉट। सो इट्स ट्रू इफ ए इज इक्वल टू सिक्स और नॉट। सो लेट्स से वी हैव टू वी शुड चेंज दिस कंडीशन एज ए इंपर्सन टू डबल इक्वल टू जीरो। सो इट विल बेसिकली चेक इफ ए इज इवन और नॉट और ए इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। सो इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट प्रिंट ओनली इफ एनी वन ऑफ द सेम एनी ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग द राइट चॉइस बिकॉज ए इज ट्रू। सो लेट्स से वी पुट ए एज वन एंड वी आर गेटिंग दिस एल्स स्टेटमेंट बिकॉज ए इक्वल टू इज रॉन्ग, ए modulo 2 is also wrong because the remainder is 1 and is not greater than 10. So none of the conditions are true. So we get the else statement. Now there is an in operator in Python. So what the in operator do? Let's say you have a name, you have a variable name, you have a stored a series in it, and you have a pool of variable, you pool of name, like this is a tuple of names where more than one names meet. You can use this as a list or a tuple. So if you want to check if the keyword or if this statement is inside this tuple or not, so what you want to write is if name in, it's like a single English statement, English mein bhi message karte hain, agar naam isme hai, if name in this tuple then print this statement, else you are not invited. सो हम देख सकते हैं कि आशीष नाम इस टपल में है तो ये प्रिंट कर देगा। आप इसको लिस्ट में भी एज ए लिस्ट भी यूज कर सकते हैं तो भी ये काम कर रहे हैं, बट लेट्स से वी चेंज इट टू सम अदर नेम एंड देन वी प्रिंट, देन वी नो दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन दिस लिस्ट, सो इट विल रिटर्न द एल्स पार्ट। बट इफ यू यूज सम If
use some keyword that is present, but you do some alphabetical mistake. Like here it is capital A and here it is small a. So because you know that in the character these two are different, because here it start with the small a, start with the capital A. So these two are these two are not same. So that's why the else statement is being printed. Now the next thing that I want to tell you about is the testing if an object is null and assigning it. So let's say we are executing a series of codes in a program and we encounter a variable, and if you want to check if it is empty or not, if it is none or not, so we can use the keyword is. So what is doing? If a is none, so if a is none means if a is none, then it will print a is empty and it will assign a is equal to 5. So as you can see here,